डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। मायसेल्फ पूजा, टीचर ऑफ MLP स्कूल राजपुरा। हेयर वी स्टार्ट साइंस फॉर क्लास सेकेंड। टुडे वी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन 7, टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो ऑप्शन करेक्ट है उसको टिक करना है। ए इज हाइबिकस एंड रोज प्लांट आर एग्जाम्पल ऑफ। हाइबिकस और रोज प्लांट है वो किसके एग्जाम्पल है? दे आर द एग्जाम्पल ऑफ शर्ब्स। किसके एग्जाम्पल है? शर्ब्स के। तो आप शर्ब्स पे टिक करोगे। ओके, सेकेंड है हमारा बी, विच ऑफ दीज आर क्रीपर्स। इनमें से कौन से क्रीपर्स के एग्जाम्पल हैं? नीम एंड मैंगो, नो। तुलसी, हिना। क्रीपर, क्रीपर यानी दे क्रीप अलोंग द ग्राउंड, तो तुलसी हिना भी नहीं है। मिंट, मैरीगोल्ड, नो। बोटल गार्ड एंड स्वीट पोटैटो, दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस इज क्रीपर, बोटल गार्ड एंड स्वीट पोटैटो। ओके, थर्ड इज इट प्रोड्यूसेस फूड। क्या करता है ये? फूड प्रोड्यूस करता है। कौन प्रोड्यूस करता है एक प्लांट में? लीफ प्रोड्यूस करता है फूड। कौन करता है? लीफ। तो लीफ इज द करेक्ट आंसर। डी इज विच ऑफ दीज इज नॉट ए क्लाइंबर। इनमें से कौन सा क्लाइंबर नहीं है? यानी क्लाइंबर और सारे क्लाइंबर हैं, बट एक है जो क्लाइंबर नहीं है। तो मनी प्लांट क्लाइंबर है, पीस भी क्लाइंबर है एंड ग्रेप वाइन भी क्लाइंबर है। तो ए ऑप्शन, बोटल गार्ड जो कि क्लाइंबर नहीं है, ये किसका एग्जाम्पल है? हमारा क्रीपर का। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, बोटल गार्ड। नेक्स्ट वी आर डूइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, यानी हॉट्स क्वेश्चन है हमारे। क्वेश्चन नंबर 8 वी स्टार्टेड। नाउ क्वेश्चन 8 इज टीना ड्रॉप्ड सम सीड्स इन द गार्डन। टीना क्या करती है? कुछ सीड्स गार्डन में डालती है। अ फ्यू डेज लेटर ए स्मॉल प्लांट ग्रो इन द स्पॉट। जहाँ पे उसने वो सीड्स गिराई थी वहाँ पे क्या होता है? कुछ स्मॉल प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। क्वेश्चन है हाउ, किस तरह से होते हैं ये आपको बताना है। टीना ड्रॉप करती है कुछ सीड्स गार्डन में और कुछ टाइम बाद वो देखती है कि वहाँ पर छोटे छोटे पौधे ग्रो होना स्टार्ट हो गए हैं उस जगह जहाँ उसने सीड गिराया था। अब आपको लिखना है कि ऐसा कैसे हुआ, हाउ। तो आप लिखोगे आंसर, ANS आंसर, फर्स्ट यू राइट आंसर। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, ए सीड कंटेन्स बेबी प्लांट। जैसा हमें पता है कि एक सीड में क्या होता है? बेबी प्लांट होता है। ओके, व्हेन दिस सीड इज ड्रॉप इन गार्डन, जब इस सीड को अगर हम किस में डालते हैं? गार्डन पे डालते हैं। दे गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, तो उसे न्यूट्रिएंट्स जो ग्रो होने के लिए उसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उसे सॉइल से मिल जाते हैं। एंड ए बेबी प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड, और इस तरह से एक बेबी प्लांट उस सीड से ग्रो हो जाता है। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? किसी भी, जैसा कि आंसर क्या लिखना है आपको, मैंने एज वी नो दैट ए सीड कंटेन्स बेबी प्लांट, व्हेन दिस सीड इज ड्रॉप्ड इन गार्डन दे गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉयल एंड ए बेबी प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड। कह रहा है जैसा हम जानते हैं सीड में क्या प्रेजेंट होता है? एक बेबी प्लांट होता है। अगर उस बेबी प्लांट होता है लेकिन वो ऐसे ही ग्रो नहीं करता, उसको ग्रो होने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो जब उसको गार्डन में डाला गया तो उसको वो न्यूट्रिएंट्स सॉइल से मिल गए, और वो न्यूट्रिएंट्स मिलने के बाद वो बेबी प्लांट ग्रो हो गया अ सीड से। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। ध्रुव शो दैट द गार्डनर वॉज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू पुल आउट द ड्राई ग्रास फ्रॉम द लॉन
वाई, क्या कर रहा है? ध्रुव ने देखा कि गार्डनर क्या कर रहा है, जैसे उसने कुछ ग्रो कर रखा है तो जैसे तो उसे डिफ़िकल्टी हो रही है, बहुत मुश्किल हो रहा है कि वो उसमें से सूखी घास को निकाल सके वहाँ से, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ? तो आप आंसर लिखोगे, आंसर फर्स्ट यू राइट आंसर, बिकॉज व्हेन प्लांट बिकम ड्राई दे विल ब्रेक इंस्टेंट ऑफ पुलिंग आउट। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब प्लांट सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, तो अगर हम उसे निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, वो बीच से ब्रेक हो जाएगा इंस्टेड ऑफ पुलिंग आउट, ना कि पूरा जड़ के साथ निकलेगा, इसलिए उसको वहाँ से वो ड्राई ग्रास निकालने में प्रॉब्लम हो रही है। ओके, आई रिपीट माई आंसर, बिकॉज व्हेन प्लांट बिकम ड्राई दे विल ब्रेक इंस्टेंट ऑफ पुलिंग आउट। जब प्लांट सूख जाता है, घास सूख जाती है, तो क्या हो जाता है, वो बीच में से जब उसको हम खींचते हैं तो वो बीच से टूट जाता है, ना कि जड़ के साथ वो निकल के आता है, इसलिए उसको ड्राई ग्रास निकालने में मुश्किल हो रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्रैंडमा वॉज प्लांटिंग ए मनी प्लांट इन ए पॉट। क्या करती है ग्रैंडमा? एक मनी प्लांट को कहाँ डालती है, प्लांट करती है एक पॉट में, एक पॉट में मनी प्लांट लगाती है। सी पुट ए मास स्टिक इनटू द सॉयल इन द पॉट वाई, लेकिन वो उस मनी प्लांट के साथ एक स्टिक भी उसमें लगाती है, मास स्टिक यानी ऐसे स्टिक जिसमें थोड़ा सा वेट है, वो स्टिक वो उस पॉट में लगाती है। वाई, वो ऐसा क्यों करती हैं, आपको आंसर लिखना है। यू राइट योर आंसर, फर्स्ट यू राइट आंसर, बिकॉज मनी प्लांट इज ए क्लाइंबर। मनी प्लांट किस तरह का प्लांट है, आपको पता है मनी प्लांट इज ए क्लाइंबर, बिकॉज मनी प्लांट इज ए क्लाइंबर। मनी प्लांट क्या है, क्लाइंबर है हमारा। क्लाइंबर्स आर स्मॉल प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स। क्लाइंबर कैसे प्लांट होते हैं, स्मॉल प्लांट्स होते हैं जिनकी वीक स्टेम होती है। स्टेम कैसी होती है, बहुत वीक होती है। दे नीड सपोर्ट टू अपराइट, और उनको सपोर्ट चाहिए ग्रो होने के लिए या सीधा खड़े होने के लिए। ओके, तो सो ग्रैंडमा पुट अ मास स्टिक इनटू द सॉयल इन द पॉट। ओके, डू यू अंडरस्टैंड क्यों ग्रैंडमा ने पॉट में स्टिक रखी, क्योंकि मनी प्लांट क्या है हमारा, क्लाइंबर है। किस तरह का प्लांट है, क्लाइंबर है, और क्लाइंबर को ग्रो होने के लिए किसी अपराइट यानी सीधे खड़े होने के लिए, ग्रो तो वो हो जाएगा लेकिन ग्रो होके वो सीधा खड़ा रहे, उसके लिए उसे किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और उस सपोर्ट को देने के लिए ग्रैंडमा ने वो स्टिक यूज़ किया। आई रिपीट माई आंसर, बिकॉज मनी प्लांट इज़ ए क्लाइंबर, क्लाइंबर्स आर स्मॉल प्लांट्स विथ वीक स्टेम, दे नीड सपोर्ट टू अपराइट। ओके, क्योंकि मनी प्लांट क्या है, क्लाइंबर है, और क्लाइंबर कैसे प्लांट्स होते हैं, स्मॉल प्लांट्स विथ वीक स्टेम, छोटे पौधे जिनकी स्टेम बहुत वीक होती है, सो दे नीड सपोर्ट टू अपराइट, इसलिए उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है सीधे खड़े होने के लिए। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चन आंसर प्रॉपरली, डू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन योर बुक एंड दीज क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक एंड लर्न दीज थ्री क्वेश्चंस ऑल्सो। थैंक यू एंड बाय बाय। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मुकेश मैडम आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों मैं आज शुरू करा रही हूँ कक्षा दूसरी का पाठ 3, मम्मी की सलाह। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शिक्षण संकेत। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि प्रत्येक वस्तु को एक निश्चित स्थान पर रखना चाहिए, इससे परिवार के किसी भी सदस्य को कभी कोई परेशानी नहीं होती है, और कोई भी वस्तु किसी के भी द्वारा रखने के बावजूद किसी को भी आसानी से
मिल सकती है। तो बच्चों क्या सिखाया गया है इस पाठ में कि हमें हर एक वस्तु को उसके निश्चित स्थान पर रखना चाहिए। अब हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। बेचारी परी परेशान थी, स्कूल जाने का समय हो गया था पर उसे अपने जूते नहीं मिल रहे थे। तो इस पाठ में एक लड़की का जिक्र है, उसका नाम क्या है? परी, जिसका स्कूल जाने का समय हो गया लेकिन उसको क्या नहीं मिल रहे? अपने जूते नहीं मिल रहे हैं। उसे परेशान देख मम्मी रसोई का काम छोड़ दौड़ी आई। मम्मी बोली, परी कल तुमने स्कूल से आकर जूते कहाँ उतारे थे? क्या पूछा मम्मी ने कि परी तुमने स्कूल से आकर जूते कहाँ उतारे थे? पर परी को कुछ याद हो तो बताए। बहुत ढूंढने के बाद आखिर नेहा दीदी को परी के जूते नजर आए। वे सोफे के नीचे एक कोने में पड़े थे। तो किसको दिखाई दिए परी के जूते? नेहा को, जो कि परी की बड़ी बहन थी। कहाँ दिखाई दिए? सोफे के नीचे कोने में। परी ने जूते देखे तो उछल पड़ी। वह बोली, हाँ हाँ कल स्कूल से आकर मैं यहीं बैठकर ड्राइंग का काम कर रही थी, तब जूते उतारे थे। मम्मी ने कहा, परी अगर तुम्हें यह बात पहले याद आ जाती तो क्यों इतनी परेशान होती? किसने कही ये बात बच्चों? मम्मी ने। पापा बोले, पर इससे भी बड़ी बात यह है कि स्कूल से आकर जूते रखने की एक जगह बना लो, बस वे फिर कभी खोएंगे नहीं। पापा ने क्या समझाया कि जूते रखने के लिए एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए, इसके बाद उसको ढूंढने के लिए परेशान नहीं होना पड़ता, एक स्थान पर रखने चाहिए हमें अपने सभी सामान। परी सोचती है कि हाँ मैं ऐसा ही करूँगी पर रोज भूल जाती। लेकिन आज जूते न मिलते तो क्या हाल होता? आज तो मेरा हिंदी का पेपर था और आज ही यह मुसीबत। उफ, बिना बात कितना मूड खराब हुआ। परी स्कूल जाते जाते सोच रही थी। तो परी क्यों परेशान थी? क्योंकि परी ने अपने जो जूते हैं वो सही स्थान पर नहीं रखे और सुबह जब स्कूल का टाइम हो गया तो उसे अपने जूते नहीं मिले और वह स्कूल जाने में लेट हो रही थी, उसको देरी हो रही थी। मम्मी भी अपने काम छोड़कर उसके जूते ढूंढवा रही थी, पापा भी और दीदी भी, तो सभी परेशान थे। किस कारण से परेशान थे? कि परी ने अपने जूते सही स्थान पर नहीं रखे थे। अगले दिन स्कूल से घर आकर परी ने अपने जूते ठीक उसी जगह उतारे जहां मम्मी ने कहा था। तो अगले दिन परी ने जूते कहां रखे? निश्चित स्थान पर, जहां जूते रखने के लिए मम्मी ने उसको बताया था। जूते उतारने के बाद उसने जुराबें भी सही जगह पर रखी। यही नहीं बल्कि अपना बस्ता भी अलमारी में सही जगह पर रखा। कपड़े उतारने के बाद तह करके रखे। मम्मी आश्चर्य से देख रही थी, अरे वाह परी तो आज बदली हुई है। तो परी ने स्कूल से आकर अपना सारा सामान कहाँ पर रखा? जहाँ उनका निश्चित स्थान था, जहाँ उनको रखना चाहिए था। यह देखकर उसकी मम्मी बहुत खुश हुई कि परी आपने सभी सामान को अपनी सही जगह पर रख रही है। परी ने मम्मी को मुस्कुराते हुए देखा तो बोली, मम्मी आज से मैं अपनी सारी चीज़ें ठीक जगह रखा करूँगी। तो परी ने मम्मी को क्या कहा कि मम्मी मैं आज से अपनी सारी जो चीज़ें हैं वो ठीक स्थान पर रखा करूँगी। सुनकर मम्मी ने उसे प्यार किया। वह बोली, हाँ परी अब तुम एक अच्छी लड़की बन गई हो, देखना अब कभी तुम्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा।
तो बच्चों जब परी ने अपना सारा सामान सही जगह पर रखा तो उसकी मम्मी भी बहुत खुश हुई। तो सभी बच्चों को अपना सभी सामान जो रखने के लिए एक निश्चित जगह बना लेनी चाहिए। स्कूल से जाने के बाद अपने जूते, मोजे, बस्ता, ये सभी एक निश्चित स्थान पर रखना चाहिए ताकि अगले दिन जब सुबह तैयार हो तो उनको ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो, परिवार के बाकी सदस्य परेशान ना हो और सभी आपको प्यार करें। तो ये आपका पाठ था, आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको करा रही हूँ शब्दार्थ। खोजना का मतलब होता है ढूंढना, आश्चर्य हैरानी, मुसीबत कष्ट या परेशानी, स्कूल होता है विद्यालय, प्यारा स्नेह, पेपर का मतलब प्रश्न पत्र। समझ में आया बच्चों? खोजना ढूंढना आश्चर्य हैरानी मुसीबत कष्ट या परेशानी स्कूल विद्यालय प्यारा स्नेह पेपर प्रश्न पत्र। अभी हम पाठ का अभ्यास शुरू करेंगे। सबसे पहले है मौखिक, पढ़ो और समझो। यहाँ कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, इनको हम पढ़ेंगे। परेशान, बेचारी, आखिर, खोएंगे, खराब, आश्चर्य, मूड, रसोई, निर्णायक, तह, दिनचर्या, अच्छा, समय, रोज, अलमारी, ड्राइंग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दो। नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। बच्चों आपने ये पाठ पढ़ा है तो हम मौखिक उत्तर आपको मौखिक उत्तर देने। मैं प्रश्न पढ़ती हूँ। प्रश्न नंबर क, क्या आप रसोई घर के कामों में मम्मी का हाथ बटाते हैं? तो आप लोगों की बात सोचनी है कि आप मम्मी का हाथ बटाते हैं या नहीं बटाते हैं। अगला प्रश्न है, आप स्कूल से आकर अपना बस्ता कहाँ रखते हैं? तो सभी बच्चे देखेंगे कि क्या आप अपना बस्ता सही स्थान पर रखते हो या फिर इधर उधर ऐसे ही डाल देते हो। अगला प्रश्न है, क्या आप स्कूल से आकर कपड़े तह करके रखते हैं? जो बच्चे नहीं रखते हैं वो सभी अपने कपड़े तह करके रखें, सही स्थान पर रखें। अगला प्रश्न है, गृह कार्य के बाद अपनी कॉपी किताबें कहाँ रखते हैं? ये बात आपको सोचनी है कि गृह कार्य करने के बाद आपको अपनी कॉपी किताबें कहाँ पर रखनी चाहिए। अपने बैग में रखनी चाहिए ताकि सुबह स्कूल चलते समय ढूंढनी ना पड़े। अगला प्रश्न है, स्कूल जाते समय आपका सामान कौन ढूंढता है? ऐसा काम ही नहीं करना चाहिए कि आपको स्कूल जाते समय आपका सामान ढूंढने की ज़रूरत पड़े। आपको पहले से ही अपना सारा सामान सही स्थान पर रखना चाहिए ताकि स्कूल जाते समय किसी को भी कोई भी परेशानी ना हो। अब हम करते हैं लिखित प्रश्न। प्रश्न नंबर एक, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। प्रश्न नंबर क्या है, जूते ढूंढने के बाद किसकी नज़र जूते पर पड़ी? सही उत्तर होगा नेहा दीदी की। अगला प्रश्न है, स्कूल जाने के समय परी क्यों परेशान थी? क्यों परेशान थी परी? जूते के लिए, क्योंकि उसके जूते नहीं मिल रहे थे। अगला प्रश्न है, अपने सामान को कहाँ रखना चाहिए? कहाँ रखना चाहिए? सही जगह पर रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, परी अब तुम एक अच्छी लड़की बन गई हो, यह बात किसने कही? किसने कही थी यह बात? मम्मी ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर चार, सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। बच्चों ये हमारे पास खाली जगह दी गई है, इनमें आपको सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे करने हैं। पहला वाक्य है, बेचारी परी डैश थी, यहाँ आएगा परेशान। अगला वाक्य है, जूते डैश के नीचे एक कोने में पड़े थे। किसके नीचे पड़े थे? सोफे के नीचे। तो इसमें क्या फिल करेंगे? सोफे। अगला वाक्य है, आज तो परी के डैश का पेपर था। किसका पेपर था परी का? हिंदी का। तो यहाँ हम हिंदी फिल करेंगे। अगला वाक्य है, अरे वाह परी तो आज डैश हुई है। तो यहाँ पर आएगा बदली। अगला वाक्य है, नेहा दीदी को परी के डैश नजर आए। क्या नजर आए? जूते। तो इसमें आप जूते फिल करेंगे। इसके बाद है प्रश्न नंबर पाँच, सही कथन पर सही
तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाओ। पहला वाक्य है, परी को उसके जूते नहीं मिल रहे थे। ये बात सही है, तो यहाँ आप सही का निशान लगाओ। अगला वाक्य है, परी को परेशान देखकर उसकी मम्मी बाहर से दौड़ी आई। नहीं, मम्मी कहाँ से आई थी बेटा? रसोई घर से, क्योंकि मम्मी खाना बना रही थी। तो यहाँ पर आप गलत का निशान लगाएंगे। अगला वाक्य है, परी के स्कूल जाने का समय हो गया था। बिल्कुल सही, यहाँ पर सही का निशान लगाओ। अगला वाक्य है, आज से मैं सारी चीज़ें ठीक जगह रखा करूँगी। बिल्कुल सही है, परी ने ऐसा ही कहा था, तो यहाँ पर आप सही का निशान लगाएंगे। और इससे अगला वाक्य है, परी अपना बस्ता अलमारी में सही जगह पर रखा। परी ने अपना बस्ता अलमारी में सही जगह पर रखा, बिल्कुल सही है, और इस पर आप सही का निशान लगाएंगे। इससे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर एक, इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर होगा, हमें अपनी सभी चीज़ें एक निश्चित स्थान पर रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है, पापा ने परी को कैसे समझाया? उत्तर होगा, पापा ने परी को समझाया कि अपने जूते रखने की एक जगह बना लो, एक निश्चित जगह बना लो। अगला प्रश्न है, परी क्यों परेशान थी? क्यों परेशान थी परी? उत्तर क्या होगा, क्योंकि उसके जूते नहीं मिल रहे थे। अगला प्रश्न है, अगले दिन स्कूल से आकर परी ने क्या किया? उत्तर होगा, अगले दिन स्कूल से आकर परी ने अपने जूते, जुराबें और कपड़े सही जगह पर रखे। अगला प्रश्न है, परी ने जूते मिल जाने पर क्या कहा? उत्तर होगा, परी ने कहा, आज जूते न मिलते तो क्या होता, आज तो मेरा हिंदी का पेपर था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए शब्दों से नए वाक्य बनाओ। यहाँ हमारे पास ये शब्द दिए गए हैं, इनसे इनको हमें वाक्यों में प्रयोग करना है, यानी कि हम जो भी वाक्य बनाएंगे उसमें वो शब्द आना चाहिए। तो पहला शब्द है भूलना। वाक्य हम बनाएंगे, सामान सही जगह पर रखना भूलना नहीं चाहिए, तो इसमें भूलना शब्द का इस्तेमाल हुआ ना। इसके बाद है आश्चर्य। आश्चर्य शब्द का इस्तेमाल करेंगे हम, परी को बदला देखकर मम्मी को आश्चर्य हुआ, यहाँ आश्चर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके बाद है परेशान। परी जूते न मिलने से परेशान थी। इसके बाद अगला शब्द है स्कूल। तो स्कूल से हम वाक्य बनाएंगे, परी स्कूल गई। तो बच्चों, अभी आ गया भाषा और व्याकरण। अभी हम व्याकरण पोर्शन करेंगे, आप सभी को ध्यान से देखना है, समझना है। पहला प्रश्न है, खाली स्थान में का, के, की और को लिखो। जो खाली जगह दी गई है इसमें क्या, किस चीज़ से फिल करना है? का, के, की और को से। जैसे जूते उतारने डैश बाद, जूते उतारने के बाद, यहाँ के आएगा। मम्मी डैश कहना, मम्मी का कहना, इसमें का आएगा। स्कूल डैश समय, स्कूल का समय। हिंदी डैश पेपर, क्या आएगा? हिंदी का पेपर। ड्राइंग डैश काम, तो क्या आएगा इसमें? ड्राइंग का काम। सोफे डैश नीचे, आएगा के, सोफे के नीचे। परी डैश जूते, यहाँ आएगा के, परी के जूते। सामान डैश सही, तो यहाँ आएगा की, सामान की सही। अगला प्रश्न है, पढ़ो समझो और लिखो। यहाँ पर इन्होंने एक उदाहरण दे रखा है, जूता सा क्या बनाया इन्होंने? जूते, यानी एक वचन को किस में बदला इन्होंने? बहुवचन में, यानी कि एक को अधिक में चेंज किया है। ऐसे ही हम बाकी शब्दों को भी एक को एक से अधिक में बदलेंगे, जैसे पत्ता पत्ते, बच्चा बच्चे, सोफा सोफे, बस्ता बस्ते, लड़का लड़के, भाईचारा भाईचारे, कपड़ा कपड़े।
इसके बाद अगला प्रश्न है अंतर समझो और लिखो। यहाँ इन्होंने दे रखा पाव और फिर उन्होंने चंद्रबिंदु इस्तेमाल करके क्या बना दिया, पाव। चंद्रबिंदु का इस्तेमाल किया है तो हम भी बाकी शब्दों में चंद्रबिंदु का इस्तेमाल करेंगे और इनको बोल के देखेंगे कि इनका मतलब उच्चारण कैसे होता है। इसको हम बोलेंगे बाट और चंद्रबिंदु लगाने के बाद ये बन जाएगा बांट। इसको हम बोलेंगे बाघ और चंद्रबिंदु लगाने के बाद बन जाएगा बांग। इसको हम बोलेंगे काटा और चंद्रबिंदु लगाने के बाद बन जाएगा कांटा। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखो। विलोम का मतलब होता है बेटा उल्टा, यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द। जैसे भूलना का उल्टा होगा याद करना, ढूंढना का उल्टा होगा मिलना, आकर का उल्टा होगा जाकर, अगले का उल्टा पिछले, उतारना का उल्टा होगा चढ़ाना और अच्छी का उल्टा होगा बुरी। तो बच्चों ये मैंने आपको पाठ पढ़ाया, आपको सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको सबको ये पाठ अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना है और याद करना है। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टूडेंट सो लेट मी स्टार्ट आवर ऑनलाइन क्लासेस ऑफ मैथ फॉर सेकेंड क्लास। पिछले वीडियो में हमने ऐड के सम किए थे जो कैरी और बगैर कैरी के थे। आज है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज 3.5। फर्स्ट क्वेश्चन, इन ए बिग लेक दे आर 462 डक्स एंड 315 सारस। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स इन ए लेक। लेक मीन होता है झील। एक झील में दो पक्षी है, डक यानी बतख और सारस बगुले, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है टोटल, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स इन ए लेक। हमें बताना है कि जो बर्ड है वो टोटल कितने हैं। तो वंस टेंस हंड्रेड, फर्स्ट नंबर पे 462, नीचे 315 ऐड करेंगे, टू लाइन ड्रॉ करेंगे, नीचे फाइव लाइन, टोटल लाइन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 6 1 7 4, फोर लाइन ड्रॉ करेंगे, नीचे थ्री है, थ्री लाइन, फोर के बाद 5 6 7 777। टोटल वर्ड्स कितने हैं हमारे पास, 777। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन हैज 846 इंडियन स्टैम्प एंड 96 फॉरेन स्टैम्प। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प ही हैज़। जो मोहन है उसके पास 846 इंडियन स्टैम्प है और 96 फॉरेन स्टैम्प है। वो पूछ रहा है कि मोहन के पास टोटल कितनी स्टैम्प है। तो वंस टेंस हंड्रेड, ऊपर लिखेंगे 846, नीचे लिखेंगे 96, सिक्स लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके नीचे भी सिक्स लाइन, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12, 12 का 2 1 कैरी। अब टेंस वाली में 9 और 1 10 10 में 4 करेंगे तो सीधा 14, 14 का 4 1 कैरी। इधर 8 ही था तो 8 में 1 ऐड करेंगे 9। टोटल स्टैम्प कितनी हो गए, 942। थर्ड क्वेश्चन है इन ए लाइब्रेरी देयर आर 226 बुक्स इज वन अलमीरा एंड 362 बुक्स इन अदर अलमीरा। हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन बोथ द अलमीरा। वो पूछ रहा है कि एक जो अलमीरा है लाइब्रेरी में उसमें 226 बुक है और जो सेकेंड अलमीरा है उसमें है 362। तो पूछ रहा है टोटल दोनों अलमीराओं में कितनी बुक्स हैं। 226 प्लस 362, 6 में 2 ऐड करेंगे 6, 7, 8, 8, 6 में 2 ऐड करेंगे 6, 7, 8, 8, 2, नीचे 3, 3 लाइन रोक रहे हैं 1 2 3 4 5, कितनी बुक्स हो गई, 588। फोर्थ क्वेश्चन है देयर आर 363 मैंगो ट्री एंड 279 गवावा ट्री इन ए गार्डन। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्री इन द गार्डन। एक
बाग है उसमें टोटल, सॉरी मैंगो के जो पेड़ हैं वो, सॉरी आम के जो पेड़ हैं वो है 363, और गवावा अमरूद के जो पेड़ है वो है 279। वो पूछ रहा है लास्ट में, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्री इन गार्डन, कि जो गार्डन है उसमें टोटल ट्री कितने हैं। तो नाइन के साथ थ्री लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3, 9 10 11 12, 12 का 2, 1 कैरी, 7 7 14, 14 का 4, 1 कैरी, 3 और एक 1 4, 5 एंड 6, कितने ट्री हो गए टोटल 642, कितने हो गए 642। ए फ्रूट सेलर सोल्ड 350 ऑरेंज, 432 एप्पल्स एंड 189 बनाना, हाउ मैनी फ्रूट्स डिड ही सोल ऑल टुगेदर। एक फल विक्रेता है, उन्होंने 350 ऑरेंज और 432 एप्पल्स और 189 बनाना, तो पूछ रहा है कि उसने टोटल कितनी सोल्ड, मतलब कितने बेचे। ठीक है, तो 9 10 11, 11 का 1 1 ऊपर कैरी, 8 9 9 के बाद 3 लाइन, 1 2 3 और यहाँ 5, 1 2 3 4 5, तो 8 और 1 9 हो गया था, तो 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 का 7 1 कैरी। अब इधर देखो, 4 5 थ्री लाइन, 6 7 8 और 1 कैरी, 9, कितनी हो गई 971। सुनील गोट 373, 245 एंड 129 मार्बल्स इन 3 वीक्स, वो 3 वीक्स मतलब 3 वीक्स 3 सप्ताह में 373, 245 और 129 मार्बल्स 3 वीक में इकट्ठा करता है, टोटल करता है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मार्बल, उसके पास टोटल कितनी मार्बल्स हो गई। तो देखो, 373, 245, 129, ऐड करेंगे 9, तो 5 लाइन, 1 2 3 4 5, अब 3 1 2 3, 9 के बाद देखो, 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 का 7, 1 कैरी, 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 का 4, 1 कैरी, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने मार्बल्स हो गए 747। थैंक यू, वीडियो को ध्यान से देखिए, और ये कुछ आपके एक्सरसाइज के लास्ट में, सॉरी चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज दी गई है, इनको करें। द रिजल्ट्स ऑफ एड इज कॉल, जो हम ऐड करते हैं उसका जो रिजल्ट आता है उसको क्या बोलते हैं, सम। इफ वी ऐड 0 टू एनी नंबर द सम इज ऑलवेज, यदि हम किसी चीज़ को 0 नंबर से ऐड करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 0 0 नंबर इट्सेल्फ, जो नंबर होगा वो ही उसका आंसर आएगा। थैंक यू, वीडियो को ध्यान से देखें, और कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखें। जो हमारा फर्स्ट तक हो गया था, सेकंड क्वेश्चन है, ऐड द फॉलोइंग, ऐड करना है हमें वंस टेंस हंड्रेड, 254 में 334 को ऐड करना, तो 4 के बाद 4 लाइन ड्रॉ करेंगे, 5 6 7 8, कितना हो गया 8, सो ये कितना है 5, 5 के बाद 3 लाइन ड्रॉ करेंगे, 6 7 8, 8 ये ऊपर कितना है 2, नीचे कितना है 3, 3 लाइन ड्रॉ करेंगे, 2 के बाद 3 4 5, क्या आंसर आ गया हमारा 588। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 125, ऐड करना है 372, तो 5 ऊपर है इसके बाद लाइन ड्रॉ करेंगे, 5 6
सेवन, सेवन हो गया इधर टू, टू में सेवन ऐड करेंगे, टू के बाद सेवन लाइन ड्रॉ करेंगे, वन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, कितने हो गए नाइन। नेक्स्ट है वन में, थ्री में वन को ऐड करना है, थ्री और वन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 439 में 275 को ऐड करना है, तो 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 14 का 4 1 कैरी, 7 और 1 8, 8 के बाद 9, 10, 11, 11 का 1 1 कैरी, 4, 5, 6, 7, 714। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 738 में 197 को ऐड करना है, एट के बाद नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, फिफ्टीन का फाइव वन कैरी, नाइन और वन टेन, टेन के बाद इलेवन ट्वेल्व थर्टीन, थर्टीन में थ्री वन कैरी, सेवन एट नाइन, 935। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देयर आर 152 हेंस एंड 110 गोट्स इन ए फार्म, हाउ मैनी एनिमल्स आर देयर ऑल टूगेदर। एक फॉर्म है, फार्म है जिसमें 152 हैंस यानी मुर्गी है और 110 गोट्स यानी बकरियाँ हैं, तो वो पूछ रहा है कि उसमें टोटल एनिमल्स कितने हैं। तो इधर देखिए 152 और इसके बाद 110, टू में किसी भी चीज़ ये बताया था जीरो किसी के साथ ऐड होता है तो वो सेम नंबर ही आएगा, तो टू, फाइव और वन सिक्स, वन एंड वन टू, 262। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा इन टू बुक्स देयर आर 140 एंड 190 पेज, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेज इन बोथ बुक्स। एक बुक है उसमें 140 और 190 पेज, सॉरी टू बुक्स है, एक में 148 और एक में 149 पेज है, तो पूछ रहा है टोटल बुक्स में पेज कितने हो गए, तो 148, 149, 9 में 8 को प्लस करेंगे 17, 17 का 7 1 कैरी, 4, 4, 8 और 1 9, 1 एंड 1 2, ठीक है। आगे देखते हैं द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज, ग्रेटेस्ट होता है सबसे बड़ा, तो जो नीचे ऑप्शनल दिए हुए हैं हमें 100, 999, 991, तो इसमें बिगेस्ट नंबर क्या है 999। सेकंड क्वेश्चन है द रिजल्ट ऑफ एड्स ईच कर, जो ऐड करते हैं हम उसका रिजल्ट आता है उसको क्या बोलते हैं, सम, सम बोलते हैं ना, तो इस पे टिक करो सम। इफ वी ऐड जीरो टू एनी नंबर द सम ऑफ ऑलवेज, देखिए ये था हमारा इफ़ वी ऐड जीरो एनी नंबर्स द सम इज ऑलवेज, यदि हम किसी चीज़ में जीरो नंबर को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, वन जीरो नंबर इटसेल्फ, जो नंबर होगा वही हमारा आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड, जो नंबर्स नेम दिए गए हैं इनको हमें नंबर दिए हैं उनको नंबर्स नेम में लिखना है, तो 148 तो लिखेंगे ओ एन ई वन, एच यू एन डी आर ई डी 100, एफ ओ आर टी वाई 40, ई आई जी एच टी 8, 148। सेकेंड है हमारा 475, तो एफ ओ यू आर 4, एच यू एन डी आर ई डी 100, एस ई वी ई एन टी वाई 70, एफ आई वी ई 5, 75। इसके बाद है हमारा 643, 600, एस आई एक्स 6, एफ ओ सॉरी एच यू एन डी आर ई डी 100, एफ ओ आर टी वाई 43, टी एच आर डबल ई 3। नेक्स्ट है 908, एन आई एन ई 9, एच यू एन डी आर ई डी 100, ई आई जी एच टी 8, तो ये हमारे हो गए, हमें नंबर्स नेम सॉरी डिजिट दी हुई थी और इनको नंबर्स नेम में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर फॉर द फ्रॉम द फॉलोइंग, हमें ये डिजिट दी हुई है 892, 256, 656, 729, 216 एंड 200,
तो इसमें हमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 200, क्या है 200, और ग्रेटेस्ट नंबर देखना है, देखो 892, ग्रेटेस्ट नंबर क्या है 892। इसके बाद सेकंड है इसी का 636, 451, 112, 772, 937 और 112। तो इसमें हमें स्मॉलेस्ट नंबर है 112 और ग्रेटेस्ट नंबर है 937। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, ऐड द फॉलोइंग, 1s, 10s, 100। 123 में 735 को ऐड कर, तो क्या करेंगे, 3 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1, 2, 3, नीचे 5, 1, 2, 3, 4, 5 लाइन को काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितना आ गया, 8। अब टेंस वाले में 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, नीचे 3, 1, 2, 3, 2 के बाद 3, 4, 5 कितने हो गए, 5। नेक्स्ट है 7, 7 में 1 ऐड करना है, सिंपल है, 7 के बाद 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1s, 10s, 100, 460 में 490 को प्लस करना है, तो जीरो में किसी चीज़ को ऐड करते हैं तो सेम नंबर आएगा, ये क्या आएगा, 9। 6 में 1 को करेंगे तो 7, अब 4 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1, 2, 3, 4, 4 ही नीचे 4 करेंगे, 1, 2, 3, 4 काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितना हो गया, 8, 879। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1s, 10s, 100, 299 में 315 को ऐड करना, तो पहले 9 लाइन ड्रॉ करेंगे, ऊपर करेंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नीचे कितना है, 5, इसके साथ 5 करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 ऐड करेंगे, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14 कितना आएगा, 14 का 4, 1 कैरी, और 9 में 1 किया तो 10, 10 और 1, 11, 11 का 1, 1 कैरी। अब 2, 1, 2 नीचे 3, 1, 2, 3 काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 ये तो 5 हुआ और 1 कैरी था, उसको ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1s, 10s, 100, 679 में 297 को ऐड कर, 9 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अब 7 करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 का 6, 1 कैरी। अब 9 के बाद 7 लाइन, 9 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 तो अब काउंट करेंगे, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 1 कैरी, 17 का 7, 1 कैरी, 6 और 1, 7, 8, 9 क्या आ गया, 976। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए फ्रूट सेलर शोल्ड 350 ऑरेंज, 432 एप्पल्स एंड 189 बनाना, हाउ मैनी फ्रूट्स डिड ही सेल ऑल टू। एक फ्रूट विक्रेता, एक फल विक्रेता है हमारे पास, वो 350 ऑरेंज यानी संतरा बेचता है और 432 एप्पल सेब, 189 बनानास, ठीक है, इतने टोटल फ्रूट्स बेच, मतलब इतने फ्रूट्स बेचता है और ये पूछ रहा है कि वो पूरे टोटल कितने फ्रूट्स बेचता है, तो देखो इसको करेंगे, हाँ 350, 432, 189, तो पहले 9 लाइन लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अब इसके साथ 2, 1, 2, 9 के बाद 10, 11, 11 का 1, 1 कैरी चला गया, ठीक है, 5, 6, 6 के बाद 7, 8, 9, 9 अब नीचे क्या है, 8, 9 के बाद
टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन, सेवनटीन का सेवन वन कैरी, ठीक है। अब इधर फोर थ्री फोर वन, तो पहले थ्री लाइन फिर फोर लाइन, वन टू थ्री फोर, फिर वन कैरी। अब काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, कितना आ गया नाइन हंड्रेड सेवेंटी वन, क्या आ गया नाइन हंड्रेड सेवेंटी वन। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हम सबट्रैक्शन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सोनू मैम फ्रॉम MLP स्कूल, योर SS टीचर। टुडे आई विल टीच पार्ट सी ऑफ चैप्टर टू, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। सही के लिए T और रॉन्ग के लिए F लिखना है। नंबर फर्स्ट, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर कॉल्ड आवर कजिन। भाई और बहन क्या हमारे चचेरे होते हैं? रॉन्ग, तो क्या आएगा? फॉल्स। नंबर टू, ओनली पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रेन लिव इन ए जॉइंट फैमिली। ओनली पेरेंट्स और देयर चिल्ड्रेन लिव इन ए जॉइंट फैमिली, क्या हमारे माता पिता और उनके बच्चे एक बड़े परिवार में रहते हैं? रॉन्ग, तो क्या आएगा? फॉल्स। नंबर थर्ड, स्मॉल फैमिली आर सिंगल पेरेंट्स फैमिली। जो छोटा परिवार होता है वो एक सिंगल फैमिली पेरेंट्स होती है, यस, तो क्या आएगा? टी। नंबर फोर, ए न्यूक्लियर फैमिली इज ए लार्ज फैमिली। जो न्यूक्लियर फैमिली होती है वो लार्ज फैमिली भी कहलाती है? नहीं, तो क्या आएगा? फॉल्स। देखो अभी मैंने आपसे क्या करा है, पार्ट नंबर सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। तो आपको इसमें अपनी बुक में फिल करना है। अब हम क्या करेंगे, पार्ट डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज ए फैमिली। व्हाट इज ए फैमिली, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है WHAT वर्ड्स IS इज ए फैमिली, FAMILY। इसमें क्या है, व्हाट इज ए फैमिली, कि परिवार क्या है? आंसर, आंसर क्या है? पेरेंट्स PARENTS, पेरेंट्स ANDTHEIR, देयर CHILDREN, चिल्ड्रेन LIVING, लिविंग TOGETHER, टुगेदर ASS, ए यूनिट UNIT, यूनिट MAKE, मेक ए फैमिली FAMILY। व्हाट इज ए फैमिली, कि परिवार क्या है? पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रेन लिविंग टुगेदर एज ए यूनिट मेक ए फैमिली। माता पिता और उनके बच्चे एक साथ रहते हैं तो वो क्या बनाता है, एक परिवार। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाट WHAT व्हाट IS इज ए न्यूक्लियर NUCLEAR, न्यूक्लियर फैमिली FAMILY, फैमिली। अब है आंसर, आंसर क्या है? पेरेंट्स PARENTS, पेरेंट्स ANDY एंड देयर THEIR, देयर वन ON1 और OR TWO टू CHILDREN, चिल्ड्रेन LIVE, लिव IN, ए फैमिली FAMILY, फैमिली IS इज CALLED, कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली NUCLEAR, न्यूक्लियर फैमिली FAMILY। व्हाट इज ये न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली क्या है? छोटा परिवार। तो आंसर इज पेरेंट्स एंड देयर वन और टू चिल्ड्रेन लिव इन ए फैमिली इज कॉल्ड ए न्यूक्लियर फैमिली। जिसमें माता पिता और उनके एक या दो बच्चे हो वो एक ही परिवार में रहता हो, उन्हें क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फैमिली इज ए स्मॉल फैमिली। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज ए जॉइंट फैमिली। WHAT व्हाट IS इज ए JOINT, जॉइंट
फैमिली एफ ए एम आई एल वाई। व्हाट इज ए ज्वाइंट फैमिली की बड़ा परिवार क्या है? आंसर नंबर थर्ड आंसर है ए फैमिली एफ ए एम आई एल वाई फैमिली डब्ल्यू आई टी एच विद पेरेंट्स पी ए आर ई एन टी एस पेरेंट्स ए एन डी एंड टी एच ई आई आर देयर सी एच आई एल डी आर ई एन चिल्ड्रेन ग्रैंड पेरेंट जी आर ए एन डी ग्रैंड पी ए आर ई एन टी एस पेरेंट्स यू एन सी एल ई एस अंकल्स ए यू एन टी एस आंट्स ए एन डी एंड सी ओ यू एस आई एन एस कजिन्स इज आई एस इज सी ए डबल एल ई डी कॉल्ड ए जे ओ आई एन टी जॉइंट एफ ए एम आई एल वाई फैमिली। वट इज ए जॉइंट फैमिली की बड़ा परिवार क्या है? ए फैमिली विद पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रेन ग्रैंड पेरेंट्स अंकल्स आंट्स एंड कजिन इज कॉल्ड ए जॉइंट फैमिली। जिस परिवार में माता पिता और उनके बच्चे दादा दादी चाचा चाची और चचेरे भाई बहन रहते हैं वो क्या कहलाती है? जॉइंट फैमिली मीन्स बड़ा परिवार। क्वेश्चन नंबर फोर वट डब्ल्यू एच ए टी वट इज ए सिंगल एस आई एन जी एल सिंगल पी ए आर ई एन टी एस पेरेंट्स सिंगल पेरेंट्स फैमिली एफ ए एम एल आई एल वाई फैमिली। व्हाट इज ए सिंगल पेरेंट्स फैमिली? आंसर इज ए फैमिली एफ ए एम आई एल वाई फैमिली आई एस इज ए फैमिली इन आई एन इन विच डब्ल्यू आई सी एच विच सी एच आई एल डी आर ई एन चिल्ड्रेन लिव एल आई वी ई लिव डब्ल्यू आई टी एच विद ई आई टी एच ई आर आइदर फादर एफ ए टी एच ई आर फादर और ओ आर ई और मदर एम ओ टी एच ई आर मदर इज आई एस इज सी ए डबल एल ई डी कॉल्ड ए सिंगल पेरेंट्स फैमिली एस आई एन जी एल सिंगल पी ए आर ई एन टी पेरेंट फैमिली एफ ए एम आई एल वाई ए फैमिली इन विच चिल्ड्रेन लिव विद आइदर फादर और मदर इज कॉल्ड ए सिंगल पेरेंट फैमिली। जो बच्चे अपने माता पिता के अलावा रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? सिंगल पेरेंट फैमिली। देखो बेटा अभी मैंने आपको क्या कराया, चैप्टर नंबर टू क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट है व्हाट इज ए फैमिली, फिर आपको क्या करना है आंसर राइट। पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर एज ए यूनिट मेक ए फैमिली। नंबर टू व्हाट इज ए न्यूक्लियर फैमिली, आंसर पेरेंट्स एंड देयर वन और टू चिल्ड्रन लिव इन ए फैमिली इज कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली। क्वेश्चन नंबर थर्ड व्हाट इज ए जॉइंट फैमिली, आंसर ए फैमिली विद पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन ग्रैंड पेरेंट्स अंकल्स आंट्स एंड कजिन इज कॉल्ड ए जॉइंट फैमिली। नंबर फोर्थ व्हाट इज ए सिंगल पेरेंट फैमिली, आंसर ए फैमिली इन विच चिल्ड्रन लिव विद आइदर फादर और मदर इज कॉल्ड ए सिंगल फैमिली। अभी मैंने आपको चैप्टर नंबर टू के क्वेश्चन आंसर कराए। एंड डू इन योर एसेस फेयर नोटबुक राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन Also and learn and write in your fair notebook. Thank you. Have a nice day. Good morning students, I am Sonu ma'am from MLP school, your GK teacher. देखो बेटा आज हम क्या रीड करेंगे, चैप्टर नंबर फोर राइट चॉइस, सही चुनेंगे। क्या चुनेंगे? सही। पुट ए टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन, सही का निशान लगाएंगे करेक्ट ऑप्शन पर जो आपका सही उत्तर हो। नंबर फर्स्ट विच प्लांट सीड्स आर यूज फॉर मेकिंग चॉकलेट्स, कौन से पेड़ का बीज होता है जो चॉकलेट बनाने में काम आता है? नंबर फर्स्ट सनफ्लावर, नंबर बी कॉफी, नंबर सी कोको, नंबर डी कोकोनट। तो करेक्ट आंसर इज सी।
करेक्ट आंसर इज सी, सी ओ सी ओ ए, कोकोया. करेक्ट आंसर इज सी. नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए किक्टरस फ्रूट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए किक्टरस फ्रूट. इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं फोर. नंबर ए मैंगो, बी बनाना, सी एप्पल, डी ऑरेंज. तो इसका सही आंसर क्या है बेटा? करेक्ट आंसर इज डी. डी पे क्या है? ऑरेंज. ओ आर ए एन जी ई, ऑरेंज. ऑरेंज इज द करेक्ट आंसर. तो हम किस पे टिक करेंगे? ऑरेंज. नंबर थर्ड, विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स प्रोड्यूस्ड सीड्स फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द प्लांट. पौधे का कौन सा भाग ऐसा होता है बीज का जो दूसरी जनरेशन का भाग होता है पौधे का? नंबर ए रूट, नंबर बी फ्लावर, नंबर सी लीफ, नंबर डी स्टेम. तो करेक्ट आंसर इज बी फ्लावर. करेक्ट आंसर इज बी. करेक्ट आंसर इज फ्लावर. तो हम किस पे टिक करेंगे? फ्लावर पर. नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेजर्ट प्लांट. रेगिस्तान का पौधा कौन सा है? नंबर ए फर्स्ट पे है नीम, बी किकर, सी मैंगो, डी पीपल. तो हमारा राइट आंसर कौन सा है बेटा? नंबर बी. बी इज द करेक्ट आंसर. बी इज द करेक्ट आंसर. बी पे क्या करेंगे? टिक. नंबर फाइव, जूट इज मोस्टली ग्रो इन. जूट का पौधा कहाँ होता है, कौन से देश में होता है? नंबर ए वेस्ट बंगाल, नंबर सी राजस्थान, नंबर सी केरला, नंबर डी गुजरात. करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल. करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल. नंबर सिक्स, विच ऑफ द विच पार्ट ऑफ ए सुगर बीट इज ईटन बाय अस. नंबर ए रूट, नंबर बी लीफ, नंबर सी फ्लावर, नंबर डी स्टेम. तो करेक्ट आंसर इज रूट. करेक्ट आंसर इज रूट. अब है बनी शेयर्स विद यू. तो हम क्या शेयर करते हैं बेटा? बेनियन ट्रीज लिव लॉन्गर देन अदर ट्रीज. जो बेनियन का पेड़ होता है वो सबसे लंबा होता है और पेड़ों से. ओके, अब आई विल बी रिपीट अगेन. नंबर फर्स्ट है विच पार्ट विच प्लांट सीड्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग चॉकलेट्स. चॉकलेट किससे, कौन से पौधे के बीज से बनती है? नंबर फर्स्ट सनफ्लावर, नंबर बी कॉफी, नंबर सी कोको, नंबर डी कोकोनट. करेक्ट आंसर इज सी कोको. सी ओ सी ओ ए कोको. नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए किक्टरस फ्रूट. नंबर ए मैंगो, नंबर बी बनाना, नंबर सी एप्पल, नंबर डी ऑरेंज. तो करेक्ट आंसर इज ऑरेंज. करेक्ट आंसर इज ऑरेंज. ओ आर ए एन जी ई, ओ आर ए एन. करेक्ट आंसर इज ए डी ऑरेंज. ओ आर ए एन जी ई ऑरेंज. ओ आर ए एन जी ई ऑरेंज. नंबर थर्ड, विच पार्ट ऑफ द प्लांट प्रोड्यूस सीड्स फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द प्लांट. नंबर ए रूट, नंबर बी फ्लावर, नंबर सी लीफ, नंबर डी स्टेम. करेक्ट आंसर इज बी फ्लावर. एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर फ्लावर. करेक्ट आंसर कौन सा है? बी एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर फ्लावर. फोर्थ नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेजर्ट प्लांट. नंबर ए नीम, नंबर बी कीकर, नंबर सी मैंगो, नंबर डी पीपल. करेक्ट आंसर इज बी कीकर. के आई के ए आर कीकर. के आई के ए आर कीकर. नंबर फाइव, जूट इज मोस्टली ग्रोन इन. नंबर ए
वेस्ट बंगाल, नंबर बी राजस्थान, नंबर सी केरला, नंबर डी गुजरात। करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल। डब्ल्यू ई एस टी वेस्ट, बी ए बी ई एन जी ए एल बंगाल, वेस्ट बंगाल। नंबर सिक्स, विच पार्ट ऑफ ए सुगर बीट इज ईटन बाय अस। नंबर ए रूट, नंबर बी लीव, नंबर सी फ्लावर, नंबर डी स्टेम। तो करेक्ट आंसर इज रूट, आर डबल ओ टी रूट, आर डबल ओ टी रूट। देखो अभी मैंने आपको क्या करा है, चैप्टर नंबर 4 इन बुक राइट सो इज। तो आपको इसमें क्या करना है, अभी आप इसको पहले बुक में फिल करोगे, फिर नेक्स्ट जीके की फेयर नोटबुक में, जैसे बुक में लिखा हुआ है चैप्टर 4 राइट चॉइस हेडिंग, फिर हेडिंग में लिखोगे यहाँ क्वेश्चन में पुट ए टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन, ऐसे आपकी हेडिंग होगी। फर्स्ट लाइन में लिखोगे राइट चॉइस, सेकंड में लिखोगे पुट ए टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन, फिर थर्ड लाइन से स्टार्ट करोगे नंबर फर्स्ट इन जीके की फेयर नोटबुक में। लर्न एंड राइट चैप्टर नंबर 4 इन योर नोटबुक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।